हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स बबली सिंह। आप देख रहे हैं बबली सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त हो। तो देख सकते हैं हमारा ये गरबा रूम, तो हम अपने बच्चे की स्कूल में जा रहे हैं, प्रोग्राम है गरबा। आज नवरात्रि के तीसरा दिन है, तो माता रानी का आज गरबा होगा स्कूल प्रोग्राम में। हम और हमारे बेबी लिए प्रतियोगिता, चलिए हम आपको अपने बेबी का लुक दिखाते हैं, अपनी बिटिया रानी का लुक कैसा है, आइए दिखाते हैं। अब बिटिया रानी देखो, तो देख सकते हैं हम और हमारी बिटिया रानी का लुक, तो गरबा लुक है देख सकते हैं आप। तो हम दोनों ने तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप इस तरह लुक हमारा है। तो कमेंट करके बताना दोनों में सबसे ज्यादा कौन अच्छे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह फाइनल लुक है हम लोगों का। तो सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल डाला है, जो पढ़ता है सोनभद्र में ही पढ़ता है, तो वहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं गरबा डांस प्रतियोगिता, तो देख सकते हैं इस तरह फाइनल लुक था हमारा और हमारी बेबी का। तो देख सकते हैं, तो हमने खुशी ही मेकअप करने, तो मेकअप बताना हमारा कैसा आप लोग को लग रहा था। हमने अपने खुशी मेकअप किया है, तो अभी तो हमने गाउन पहना है क्योंकि हमें आउटफिट चेंज करना है। लहंगे में गरबा होता है, तो हम लहंगे में गरबा डांस करेंगे। तो अभी हमने आउटफिट इस तरह पहना है, फिर हम वहाँ जाएंगे, हमें रूम मिलेगा चेंज करने को, हम फिर चेंज करेंगे, फिर गरबा डांस प्रतियोगिता हम आप लोग को ब्लॉग्स में दिखाएंगे। तो आप लोग यूट्यूब ब्लॉग्स देखना, बबली सिंह ब्लॉग्स 553, तो आप लोग यूट्यूब पर जरूर जाके देखना गरबा डांस। वो देख सकते हैं अभी हम अपने घर से निकल रहे हैं, तो ये अभी हमारे घर का लुक है। तो आप इस तरह देख सकते हैं हमारा घर। आप लोगों ने बहुत बार हमें यहाँ रील्स शूट करते हुए देखा होगा, तो ऊपर का यहाँ अभी बन रहा है और सीढ़ी के पास थोड़ा काम लगा हुआ है। तो देख सकते हैं, तो हमारे बालों का जुरा देख सकते हैं आप, हमने इस तरह बनाया था। तो हमें कुछ खास बनाने आता नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह कोशिश किया। तो देखिए स्कूल पहुँच चुके हैं और स्कूल का इस तरह लुक आ रहा है, और सीढ़ियाँ हैं कुछ चढ़ना पड़ता है, तो हमने दिखाते हैं आप कितनी सीढ़ियाँ हम चढ़े थे। और एक हाथ में हमारा पैकेट था लहंगे का, जो हमें पहनना था, हमने चेंज किया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले का। इतना ऊपर था सीढ़ी, कम से कम 50-60 सीढ़ियाँ जो ऊपर हमें चढ़कर जाना पड़ता है। और यहाँ डाला का व्यू दे सकते हैं, लिखा हुआ है, और हमारी बिटिया रानी यहाँ पोज मार रही थी। तो अभी वो एक घंटा था अभी प्रोग्राम शुरू होने में, क्योंकि हमें थोड़ा सा तैयार भी रेडी होना था। वैसे तो मैं तैयार होके आई थी, बस हमें कपड़े चेंज करके और लहंगे का गेटअप करना था जो डांडिया में होता है। तो देख सकते हैं ये ऊपर मैं चढ़ रही हूँ, हाँफने लगी थी चढ़ते चढ़ते। देख सकते हैं मैं एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ी हुई थी और एक हाथ में बैग पकड़ी हुई थी और उसको ले कर चल रही थी, और बैग इतना ज़्यादा भारी था तो बच्चे ले भी नहीं पा रहे थे। और हमारे हस्बैंड जी को देखिए कितने आगे आगे बढ़ रहे हैं, वो तो फ्री रहते। जेंट्स लोग का सही रहता है कि उन्हें ना मेकअप करना रहता है, ना ही ज़्यादा उनका तामझाम रहता, मगर लेडीज़ लोग का प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हो। तो हम किसी तरह अपने मन को मारकर एक हाथ में अपने कैमरे को पकड़ते हुए ऊपर चले, और बैग भी हाथ में रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा भारी भी लग रहा था। और आप लोगों ने ये हमें देखा होगा गले में हार, तो ये हमने मीशो से मंगाया था। तो अगर आप लोग को पसंद हो तो मैं लिंक जरूर डाल दूँगा, तो आप लोग लिंक या PPP लिखना तो हम जरूर डाल देंगे। तो इस तरह देख सकते हैं आप, इसमें भी डबल ये हार था, लेकिन मैंने सिंगल पहना था, तो आप देख सकते हो। और धीरे धीरे करके मैं ऊपर आ गई हूँ, तो इस तरह ऊपर का नज़ारा देख सकते, ऊपर का नज़ारा इतना मस्त लग रहा था मत पूछिए। बहुत सारे यहाँ पे बैलून से सजाए गए थे, मैंने उतना शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे रेडी होना था, तो मैं ग्रीन रूम में चली गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और मौसम थोड़ी देर के बाद ख़राब भी हो गया, लेकिन फिर प्रोग्राम था तो स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। तो मैं देख रही थी कि किधर साइड ग्रीन रूम बना है कपड़े चेंजिंग का, तो ये अंदर ही बना था, रूम के अंदर बना था। वैसे तो कैमरे हर रूम में लगे रहते हैं, लेकिन उस दिन सारे कैमरे को ऑफ कर दिया गया था। तो मैं धीरे धीरे चल रही थी ऊपर, तो आप देख सकते ही हो। और मैं खोज रही थी अपने बाबू को, तो इधर उधर ना चला जाए, तो मैंने उसे बताया कि तुम अपना पापा के साथ ऊपर ही रहो, मैं थोड़ा रूम में जाती हूँ, मुझे चेंज करना है। तो फिर मैं आ गई, तो यहाँ देख सकते ड्राइंग था, बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ ड्राइंग बनाए थे प्रतियोगिता में जो भाग लिए थे। और यहाँ देख सकते हम ड्राइंग के पास थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाया था, और बच्चे लोग हमारे हस्बैंड जी के साथ थे, वो भी आए थे साथ में। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाया था, डाला लिखा हुआ है स्कूल के जस्ट सामने बनाया गया है डाला। और यहाँ देख सकते हैं ड्राइंग बहुत ही प्यारा था, कलर से बनाया गया था, ये बालू से बनाया गया था कलर करके, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। हमने यहाँ वीडियो भी शूट किया था, रील्स भी बनाया था। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने बच्चे के साथ ऊपर गए, क्योंकि टाइमिंग होने वाली थी, और हमारे बच्चे तो गेटअप में आए थे, लहंगा तो रेड लहंगा हमें भी पहना था, जिस तरह हमारी बिटिया रानी था उसी तरह हमें भी गेटअप करना था लहंगे में ही, तो हमने गाउन वेयर करके आया था, जिस तरह आप लोग देख सकते हो। तो फिर हमने बोला चलो हम दोनों चलते हैं, माँ बेटी, और उसे अपना
बाबू और हमें अपने हस्बैंड को बोले चलिए आप लोग जाइए वहाँ बैठिए, तब तक हम आते हैं रेडी होके। तो हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं तो देख सकते हो रेडी होकर फिर हम आ गए। तो मेरा लुक चेंज हो चुका है, हम और हमारी बिटिया रानी एक जैसे ड्रेस में हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा लुक ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये सारे लुक्स हमने खुद ही किया है क्योंकि वहाँ पर कुछ करने वाला था नहीं, तो हम अपने घर से मेकअप करके गए थे और वहाँ बस अपनी ड्रेस चेंज करना था। और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे अपने बच्चे और मॉम पेरेंट्स के साथ, तो वो भी भाग लेंगे। तो फिर चलिए हम आपको आगे दिखाते, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो हमारा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना। ज़्यादा तो हमें उतना सजने का शौक़, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम ठीक से रेडी नहीं हो पाते, फिर भी जितना हमें होता है तो हम अपने खुद से करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना तो कैसा लगा था आज का मेकअप। और ये हमारी बिटिया रानी का मेकअप हमने ही किया था। तो फिर रैप वॉक हुआ था, आप देख सकते हो इस तरह दुल्हन का हमने गेटअप किया था। तो कैमरे हिल डुल रहे थे, हमारे बच्चे ने शूट किया था। तो देख सकते इस तरह हम पोज मार के दो चार पोज मारे थे और बीच में मैम आ जा रही थी तो फिर ठीक से हो भी नहीं पा रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने फ़ोटो क्लिक किया और फिर सेल्फी लिया, फिर धीरे से रैप वॉक करते हुए फिर आगे की ओर हम बढ़े। और आगे जजेस सब बैठे थे और देख रहे थे किसका लुक अच्छा है। तो हमने गूगल्स लगा कर फिर सेल्फी मारा और सबको प्रणाम किया और फिर आगे की ओर बढ़े। तो हम फर्स्ट आए थे तो प्राइज़ हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला, देख सकते हैं हम फर्स्ट प्राइज़ के पास खड़े हैं। तो हमें बाद में दिया गया, पहले थर्ड और सेकेंड को प्राइज़ दिया गया, फिर फर्स्ट वाले को दिया गया प्राइज़। और सारे लोग बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया, ब्राइडल लुक किया था तो बहुत ही अच्छा था। और एक हमें हैम्पर मिला था किचन सेट का हैम्पर, और फर्स्ट का यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट मिला है। और यहाँ के ये चेयरमैन थे स्कूल के, वो ने हमें गिफ्ट किया था तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमारा डांडिया था बच्ची के साथ, तो देख सकते हैं हमने डांडिया किया, डांडिया को हमने पीछे लगाया हुआ है, फिर अब पीछे से निकाल कर डांडिया अच्छे से खेलते हैं, गूगल लगाए हैं। तो कैसा लग रहा हमारा लुक हमारी और हमारी बिटिया रानी का ज़रूर बताना। तो नवरात्रि में गड़बा ही होता है अधिकतर, जहाँ पे भी आप देखो नवरात्रि में 9 दिन गड़बा होता है। तो हमने सोचा चलो माता रानी का गड़बा ही करते हैं, माता रानी खुश हो जाएंगी। तो यह नाइट का था, रात में था प्रोग्राम। तो हर साल होता है यहाँ बच्चे का प्रोग्राम बच्ची के साथ, और आप अकेले भी सोलो डांस कर सकते हो। हमें यहाँ का डांस बहुत ही अच्छा लगा था, आप देख सकते हो हम और हमारे बच्चे दोनों डांडिया लेके खेल रहे थे। इसमें गाना लगा हुआ था गड़बा का, लेकिन हमने इसमें नहीं शूट किया है क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो इसमें 3 मिनट का यह गाना था। तो हम और हमारे बच्चे आप देख सकते कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो और किस देश के कोने से देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो, ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमारा आप लोग को ब्लॉग्स कैसा लगता है और आप लोग के यहाँ डांडिया होता है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ यूपी साइड तो होता है, बिहार में भी होता है लेकिन बिहार में कम, लेकिन यूपी में ज़्यादा होता है। हम अपने ससुराल में रहते हैं यूपी में, जैसे कि आप लोग को पता ही सोनभद्र, और ये प्रोग्राम डाला में हो रही है। तो कैमरे में भी शूट हो रही थी बहुत सारे, लेकिन ये हमारी जो लड़के हैं हमारे भी हैं तो वही शूट कर रहा था, तो ज़्यादा अच्छे से वो शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जितना हो पाया तो हो सका। और वहाँ पे कैमरे में था तो वो हमें मिल नहीं पाया फुटेज, इसलिए तो हम अपना मोबाइल से ही शूट कर रहे थे। तो हमारी बिटिया रानी और हमारा लुक आप लोग देख सकते हैं रेड रेड लहंगा में। तो हम अपने बिटिया रानी को आगे करते, बोले थोड़ा आगे हो जाओ क्योंकि लहंगे पे पैर आ जाएगा। और इस तरह हमारा देख सकते हैं सोलो लुक गड़बा डांस का। तो ये तो हमने फर्स्ट बार, इसे हम दोबारा ये डांस कर रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी किया था तो उसमें भी हम फर्स्ट प्राइज जीते थे और इस बार भी हम फर्स्ट आए थे। तो कैसा लगा ये हमारा डांस आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो डांडिया आप लोग खेल रहे हो या नहीं ज़रूर बताना। तो तीसरे दिन प्रोग्राम है यहाँ हमारे गांव में ही जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रोग्राम है नाइट का, लेकिन हम वहाँ भाग नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे वहाँ रिलेटिव सब रहते हैं। तो हमने वहाँ भाग नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि आप लोग डांस करती हो डांस करती हो, ये एक कला होता है, अगर आपको पसंद है तो आप करो, नहीं पसंद है मत करो, लेकिन दूसरे को आप जज नहीं कर सकते हो कि आपको नहीं करना है। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है, आपकी मर्ज़ी होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डांडिया नाइट है, तो यह रात में प्रोग्राम, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था ये रात में डांडिया नाइट शुरू हुआ था। तो ये प्रोग्राम हमने डांस कर लिया, फिर आकर कपड़े हमने चेंज कर लिया और बैठ गए हैं। और यहाँ प्रोग्राम हो रहे थे डांडिया नाइट्स, तो वो हम देखने लगे। तो हमने इस डांडिया नाइट को एंजॉय बहुत किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया, इसलिए हमने ड्रेस चेंज कर फिर हम आकर बैठ गए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग हैं, कम से कम 1000 से लोग ज़्यादा होंगे यहाँ पर। फिर चलिए हम आपको दिखाते हैं फाइनल, यहाँ का गरबा डांस बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, तो दिखाते हैं आपको गरबा डांस। तो हमने भी गरबा
का लुक लिया हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया था, पहले ही हमने कर लिया था। और फिर हमने सूट किया यहाँ पर, खाना उना खा लिया था क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, तो 10:30 हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं गरबा डांस, कितने मस्त मस्त डांस हो रहे हैं, वाव, ऐसा मन कर रहा था देखते ही रह जाए, बहुत ही अच्छा लगा था डांस यहाँ का। और ये फर्स्ट बार यहाँ पर हुआ था, वैसे तो हर बार होता है लेकिन डांडिया फर्स्ट बार, क्योंकि नवरात्रि बीच में आ गया था, तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक आए थे कंटेस्टेंट। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग्स आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर इसी तरह आपको अपने व्यूवर्स के लिए लेकर। तो हमारा ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना। और देश के किस कोने से आप लोग किस राज्य से देख रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग हमारा ब्लॉग्स कैसा लगा और हमारा लुक कैसा लगा था। तो देख सकते हैं फाइनल इस तरह था। तो चलिए अब हम अपने घर की ओर चलते हैं फाइनली। तो बहुत लोगों ने बोला ये आपने ABCD क्या लिखा था, ये गरबा में होता है इसलिए हमने बनाया था। तो चलिए इसे इग्नोर करते हैं, और रात हो गई है काफ़ी। तो गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय बाय।